नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक, मेरे साथ है सत्यम दुबे जी। और वीकेंड का वार खत्म हो चुका है, आज सोमवार है और आज एक मैच खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से। सनराइजर्स हैदराबाद भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स से। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है। हैदराबाद 9वें पोजिशन पर है और दिल्ली 10वें पोजिशन पर है। हैदराबाद को अभी तक सिर्फ 2 जीत मिली है 6 मुकाबलों में और दिल्ली कैपिटल्स को तो सिर्फ 1 ही जीत मिली है 6 मुकाबलों में। तो क्या रहेगी सत्यम दुबे जी कल एक्सपेक्टेड क्या है? देखिए, जिस तरीके से ये मुकाबला खेला जाने वाला है आज, निश्चित तौर पर इस मुकाबले को लेकर हैदराबाद और दिल्ली दोनों टीमें बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला है कि 6-6 मुकाबले दोनों टीमें खेल चुकी हैं और 6 मुकाबलों में हैदराबाद सिर्फ 2 मुकाबले में जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 1 मुकाबले में जीत पाई है दिल्ली कैपिटल। तो आप सोचिए कि अभी तक जिस तरीके से दिल्ली और हैदराबाद का प्रदर्शन रहा था वो बिल्कुल निराशाजनक रहा है और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि आज दोनों टीमें बेहतर करती हुई नजर आए। खैर, जीतेगी तो कोई एक ही, तो जो हारेगी उसके लिए मैं पहले से ही थोड़ा सा अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और लेकिन जो जीतेगी उसके लिए बधाई की वो टूर्नामेंट में भी बनी है, लीग में भी बनी रहेगी। और इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद के बीच जो मुकाबला खेला जाने वाला है आज, बहुत ही रोमांचक तरीके से होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि दोनों टीमें जीत के लिए लड़ेंगी। जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो वो अगर आज का मुकाबला हारते हैं तो एक तरह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि 7 मुकाबलों में 6 हार अगर आपको मिल गई है तो फिर वहां से कम बैक करके प्लेऑफ्स तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, बहुत लंबा सफर हो जाएगा। जी, वही बात करें पिछले मैच में भी, अगर डेविड वार्नर ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जिस तरह से पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती, 19वें ओवर में आप 128 का टारगेट चेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में बहुत कमी मुझे नजर आ रही है। पृथ्वी शॉ, मतलब वर्स्ट फेज ऑफ उनका लाइफ, मैं कहूंगा वर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर, जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनसे कितने यंग प्लेयर्स और कितने इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इस आईपीएल में। अगर हम बात करें रिंकू सिंह, जो कि उनसे काफी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, चाहे वो आप तिलक वर्मा को ले लीजिए मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी पृथ्वी शॉ से बहुत इनएक्सपीरियंस है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से उम्मीद जगाई है, कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वही बात करें अगर डेविड वार्नर की, तो एज अ कप्तान भी अच्छा खेल रहे हैं, एज ए प्लेयर भी वो अच्छा खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज तो वो अपने पुराने टीम के ही खिलाफ खेलने वाले हैं जिनको उन्होंने कप्तानी करते हुए चैंपियन भी बनाया है, सनराइज हैदराबाद को 2016 में। देखिए, जिस तरीके से आपने बात की है दोनों टीमों के स्टैट्स पर, मैं थोड़ा सा नजर डाल लेता हूँ। अभी तक का जो आकलन रहा है दोनों टीमों की, जो खेल के बाद पॉइंट टेबल में जो समीकरण बैठ रहे हैं, वो यही है कि 1 9वें पायदान पर है तो 1 10वें पायदान पर है। हैदराबाद 9वें पे है और दिल्ली 10वें पायदान पर बरकरार है। और अभी तक के खेल के हिसाब से अगर दोनों टीमों में से कोई एक टीम आज जीतने में सफल होती है, और जो टीम जीतेगी निश्चित तौर पर मैं ये चाहूंगा कि हैदराबाद जीते, और इसलिए कि हैदराबाद अभी 8वें और 9वें पायदान पर है, तो वहां से हैदराबाद के लिए थोड़ी सी आसानी होती हुई नजर आएगी, थोड़ा सा उसका इस लीग में सफर और लंबा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिल्ली अगर जीतती है तो हैदराबाद को भी लेकर डूबने वाली है, खुद तो दिल्ली अब पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर है। दोनों टीमों की हेड टू हेड की बात करें, अब तक दोनों टीमें 21 मुकाबले खेली है और सनराइज हैदराबाद को 11 मुकाबलों में जीत मिली है, और जबकि दिल्ली कैपिटल्स भी 10 मुकाबलों में जीतने में सफल हुई है। यानी कि आज अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतते हैं तो बराबरी पे आ जाएंगे हेड टू हेड में, 11-11 दोनों हो जाएंगे निश्चित तौर पर। तो अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कैसा मुकाबला खेला जाने वाला है। जी, और वही अगर बात करें प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो क्या लगता है दुबे जी आज क्या कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है? जल्दी से हैदराबाद और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताता हूं कि आज के मुकाबले में दोनों टीमें किस तरीके से प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रूक, एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मार्को जानसेन, हेनरिक क्लासन, उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार और मयंक मार्कंडे, ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं, डेविड वार्नर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, मनीष पांडे से उम्मीदें होंगी, अमन हाकिम खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, मिचेल मार्ट्स और शाल्ट एंड्रिज नॉर्किया, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और ईशान शर्मा आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ईशान शर्मा पिछले मैच में काफी इंप्रेसिव दिखे थे मुझे, 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और 2 विकेट भी लिए। तो ईशान शर्मा, मतलब जिस एज पर आ गए, वो 34 साल के फास्ट बॉलर, लेकिन देख के बिल्कुल उनकी फिटनेस देख के कोई नहीं कहेगा कि 34 साल के हैं। यही वजह है कि उनको
प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि दो दो विकेट तो सभी गेंदबाजों ने लिए थे, लेकिन ईशांत शर्मा की जो इकोनॉमी रेट थी वो सभी गेंदबाजों से बेहतर थी और उम्मीद करते हैं कि आज के मुकाबले में, और उन्होंने अपना पूरा कोटा खत्म किया था। अक्षर पटेल की भी इकोनॉमी काफी अच्छी थी, 3 ओवर में से 13 रन दिए थे, लेकिन उन्होंने अपना कोटा बॉलिंग का खत्म किया नहीं था। तो बस अक्षर पटेल, चूंकि दिल्ली की गेंदबाजी इतनी बेहतर होने लगी थी कि डेविड वार्नर लगातार बदलाव पे बदलाव करते गए, अगर 4 से 5 बॉलरों की संख्या हो जाती है तो किसी एक खिलाड़ी का 1-2 ओवर कम हो ही जाता है, तो उस हिसाब से अक्षर पटेल को पूरा ओवर नहीं कराया गया था। और जिस तरीके से आज ये मुकाबला होने वाला है, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि रोमांचक होगा और फैंस भी इस मुकाबले को लेकर बेकरार होंगे, खासतौर से दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज हैदराबाद के जो फैंस हैं। देखना होगा दोनों टीमों में कौन सी बाजी मारती है, और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस हमारे शो को देख रहे हैं तो आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में अपनी प्लेइंग 11 भी जरूर बताइए, हम आपसे लाइव पे जरूर उसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।